वेलकम गाइस, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत कर रहे हैं। आज एक नया ब्लॉग में आज नागालैंड हम जा रहे हैं, तो उसका ब्लॉग में क्या क्या होता है आपको पता लगेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखिए, हमारा मोगरोई गांव का एक किसान है जो कि अपना खेत को उन्होंने अपना मच्छी पालन करने के लिए बिल बना रखे हैं। लगातार देखिए, वहाँ से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक है, पांच करीब है। यहाँ पर दो तीन है, तो उनके घर के सामने दो है, तो पहाड़ों में एक है, तो टोटल छः हो गया। तो गाइस, ये आसामीस एक किसान है जो कि फिश पालन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आज पहाड़ों में चल रहे हैं हम। पहाड़ों में सड़के ऐसे होते हैं, देखिए गाइस। तो आज की ब्लॉग में नागालैंड के साथ हम थोड़ा बहुत ये देखिए, इधर भी एक बिल है। नागालैंड में जा रहे हैं थोड़ा बहुत एक सामान ढूंढने के लिए, तो क्या क्या सामान हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं वो भी पता लग जाएगा। ठीक है गाइस, ये रास्ते में ये लोग बीज डाल रहे हैं, बीज जो कि धान का बीज डाल रहे हैं। ठीक है, हमारे गांव के बिल्कुल पास में ही है नागालैंड। तो नागालैंड तो मतलब ऐसा है कि हमारे साथ भाई जा रहा है, तो हम भी जाते हैं उनके पास, वो लोग भी आते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पर माहौल अच्छा हो रखा है, कि हमारा जो भी रिलेशन है काफ़ी अच्छा है। तो इधर भी देखिए, लोगों ने धान का बीज डाल दिया, तो ऐसा है माहौल गाइस। तो गाइस, ये नागालैंड स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, येलो बेम्बू या के घोटो ले असले रास्ता, तो फल घुमा दे। तो ये नागालैंड के लोग हैं। ठीक है गाइस, हाँ हाँ हाँ, कुछ कह जाओ। ये फले आसो मान लो घोट। गाइस, उन्होंने पानी का जुगाड़ कर रखा है, लकड़ी भी जमा करके रखा है। ओ सेब तक दादा कैन का भले आसे अपने लोगों ने लॉक कर भी आई। तो गाइस, आप लोगों को एक यूनिक चीज़ दिखाते हैं। आज हम आए थे, ये पौधा आपने देखा है, ये पौधा है, आप गैस करें कौन सा पौधा हो सकता है। ये पौधा है लाल चंदन का। ठीक है, ये जो आप लोगों ने देखा था, क्या नाम है मूवी में, पुष्पराज मूवी में, वही पौधा है लाल चंदन। लाल चंदन है, वाइट चंदन लाल, लाल चंदन है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, आप लोगों को गैस करने बोला था लेकिन मैं खुद ही बता दिया, ये है पत्ता उसका। तो साथ में है कटहल, जैकफ्रूट। जैकफ्रूट देखिए, बिल्कुल पैर के नीचे ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, लकड़ी स्टॉक करके रखा है। इधर वॉशरूम, यहाँ पर क्या रखा है, शायद मुर्गी का है, मुर्गी का घर। ये पिग के है, अभी पिग है नहीं, उन्हें हर चीज़ बना रखा है गाइस। ये देखिए, ये चीज़ें बाछोड़ा, ओए ये तो बाछोड़ा का कब ना अखमियत। ये गर्मियों में बैठने के लिए बना रखा है, देखिए
ये सुपारी पेड़ है ना, तामुल तामुल, ये देखिए सुपारी का पौधा स्टॉक करके रखा है नर्सरी। ये मुर्गी का घर है। तो गाइस नागालैंड का घर ज़्यादातर इस तरीके का होता है, सो सांग घर है, ठीक है। यह सिर्फ लकड़ी का है, इनका घर ऊपर होता है, ये टॉयलेट वगैरह, ठीक है गाइस। तो ये एक और एक पौधा देखिए, ये है अपना, ये क्या बोलेगा इसको, ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट आया नहीं है, लेकिन एक एक पौधा हर चीज़ का दिखाई दिया मेरे को। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, ये नारियल, इधर पपीता लगा रखा है, ओए ड्रैगन फ्रूट आसे ओए यार, सेब तक दे सब लगाए थे। गाइस यहाँ पर लकड़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए लकड़ी बहुत है। तो इनके घर इस तरीके का, इधर नर्सरी, ठीक है गाइस। ये फ्लावर डिक्शन है, ये तो की फूलो, নাগালেণ্ড নাম হে ভাল আহিছে, জংগলতে আছিলে, জংগলি হয় এইটো, মুৰক নাৰো। আৰু বাকী নাম নামটো জানে নে নাজানে? নাজানে, নাজানে। আৰু এইটো দেখিছে নে গোলাপ ফুলি আছে, সেইটো চা এইফালে আছে। গাইজ দেখিছে জবা, জবা ফুল, পানীৰ কাৰণে চিনটেক্স, কাফি মডাৰ্ণ হৈ গ'ল আজিকালি নাগালেণ্ডৰ মানুহ। তো হাৰ মানুহৰ ঘৰৰ মুখৰ আগত ফুল, লোককে ঘৰকে সামনে ফ্লাৱাৰ হতে জ্যাদাতৰ। ভিডিঅ' শ্বুট কৰে প্ৰব্লেম নাই না, আপ আপোনাৰ ঘৰ দেখাংগে, আপোনাৰ কিচেন দেখা দে। ये देखिए ये कैक्टस का कलेक्शन है ना, कैक्टस देखिए, कैक्टस पूरा कलेक्शन करके रखा है इन्होंने। ये फ्लावर है, हम अपना मोगरे बस्ती मानो, अलग देखा नहीं कि अपना घर तो आई भी ना इन्हें के देखा वो आओ ना आओ कहो গাইজ, এইটো হেৰি কিচেন হে, তো নাগালেণ্ড কা কিচেন ইস তৰিকে কা, ঠিক আছে গাইজ, আচ্ছা লাগ ৰা। ইয়ে ইনহে গেছ কা সেটআপ কিয়া হে, বাকী যো সামান ৰখনে কে লিয়ে না উনহে ঘৰ মে হি সেল্ফ লগা দিয়া, ঠিক আছে গাইজ। তো ইয়ে তো জৰুৰী হে নাগালেণ্ড মে ইয়ে চিজে, ঠিক আছে, হাৰ্ট গেছ নি হতে। আপনার কেয়া নাম হে, কি নাম আছে আপনার? ইয়াং, ইয়াং রে। আচ্ছা ইয়ে তো মানে ইয়াতে সব ধোয়া মেলা করে ন, কালচার 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 कल्चर देखने के लिए कब आना पड़ेगा? आप लोग क्रिसमस में कल्चर करें ना, क्रिसमस कल्चर कितने करें?
পার হয়ে গেছে এ জানুয়ারি মে মহিনা মে করে কালচারটো আপনা আপনা কিবা এটা কব লাগি আছে কই দিব ভিডিওতে নকব তো পানি এনেকে স্টক করে রাখি দিছে গভর্নমেন্ট এটু গভর্নমেন্ট ওয়াটার সাপ্লাই দিয়ে দেয় এটু গভর্নমেন্ট দিয়ে গভর্নমেন্ট দিছে এটা ওয়াটার সাপ্লাই ঘরে ঘরে আমার অসম মানুহ আজিলেকে দিয়া নাই আমি আজিলেকে গভর্নমেন্ট পানি খাই পোৱা নাই গাইস ইয়ে ব্লগ হিন্দি আসামিস দোনো মে চল রহা হ্যায় आसाम के लोग के लिए भी आसाम इसमें बनाना पड़ेगा अभी आसाम का डिमांड है ठीक है गाइस ये खाना स्टॉक रखे हैं खाना स्टॉक रखा हमारे ने मो मोबा को पारिश लगी जान थोड़ी दी से জেকফ্রুট বহুত লাগিছেও কঁঠালটো বহুত লাগিছে তো গাইছ ইয়াৰ পৰা ইয়াত বহি এইটো ৰাস্তা গৈছে কিমান মস্ত ভিউ তো গাইছ ইয়ে পুৰা বস্তি নাগালেণ্ড কি ये दूसरा गेट जो आप लोगों ने देखा था पहले वो हम पीछे से एंट्री कर रहे थे ये फ्रंट साइड के एंट्री है ठीक है गाइस ये फ्रंट साइड के हैं तो काफ़ी डेवलप हो गया पहले इतना डेवलप नहीं था यहाँ पर लोगों के घर भी काफ़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बनाए रखे हैं ये देखिए मेरा दोस्त निकल गया उधर बिना मैं भी चल रहा हूँ मोटरसाइकिल में बिना उसके बिना स्टार्ट किए गाइस तो पहाड़ में ये नज़ारा है देखिए आते टाइम पेट्रोल खर्च किए और जाने के टाइम फ्री में जा रहे हैं तो यही है पहाड़ का ज़िंदगी ठीक है गाइस तो ये नागालैंड के बस्ती का वेलकम गेट है ठीक है गया तो लोग इस तरीके का पहले पहनावे उनकी ऐसा थे ठीक है गाइस तो इनकी जो जो यूज़ होता है हथियार जंगलों में वो चीज़ें उन्होंने बना के रखे हैं तो इस तरीके का पहले थे अभी तो मॉडर्न हो गए नागालैंड के लोग ठीक है गाइस तो वीडियो में बने रहे तो गाइस यहाँ पर इनकी शर्ट्स हैं ठीक है गाइस ये शर्ट्स है यहाँ पर आज संडे है सारे लोग आएंगे आज का दिन इनके लिए गॉड का दिन है सारे लोग आके यहाँ पर पाठ करेंगे इनकी ठीक है गाइस गाइस वीडियो तो सही कहने को पहले आप लोगों को जनाबो आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को छोटा सा नागालैंड का दौरा करवाया नागालैंड दिखाया ठीक है गाइस तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और वीडियो ऐसा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू गाइस बाय बाय